Andy. तो आज के इस टॉपिक को, वैसे तो टॉपिक है गॉड अ साइकोलॉजिस्ट। गॉड और हमारी पूरी सीरीज का नाम है डिकोडिंग गॉड साइकी। आज इन दो बातों का बहुत मधुर मिलन होने वाला है कि किस तरीके से हम गॉड की साइकी को भी समझ रहे हैं और गॉड को एज ए साइकोलॉजिस्ट भी समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम बाबा की साइकी को समझ रहे हैं और साथ के साथ ये समझ रहे हैं कि बाबा एज ए मैथमेटिशियन कैसा है, किस तरीके से वो रचना को रच रहा है या उसके प्रेरणा से रचना इतनी सुंदर रची जा रही है। तो आज हम समझेंगे किस तरीके से बाबा बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, उनकी साइकी किस तरीके से काम करती है, साइकोलॉजिस्ट टैग शिव बाबा के ऊपर एक्यूरेट कैसे बैठता है, आज की सीरीज में हम देखेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। गॉड अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, गॉड जिसको हम साइकोलॉजिस्ट के रूप में अभी जानेंगे थोड़ी देर में, क्या लगता है अपनी इस विशेषता के द्वारा, अपनी इस गुण के द्वारा वो क्या करने आया है, क्या अचीव करना चाहता है। जैसे हम देखते हैं कि जिसके पास भी जो भी विशेषता होती है, गुण होते हैं, वो कुछ ना कुछ उन गुण और विशेषताओं को इस्तेमाल में लाते हैं और इस्तेमाल में ला करके कुछ काम को संपन्न, कुछ कर्तव्य को संपन्न करते हैं। तो गॉड अपनी साइकोलॉजिस्ट होने वाली विशेषता के द्वारा क्या अचीव करना चाहेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा किस तरीके से हमारे प्रकृति में कई तरह के पैटर्न्स, जिसको हम फ्रैक्टल्स कहते थे, कल हमने समझा था, लास्ट वीक हमने समझा था कि किस तरीके से हर जगह पर ये फ्रैक्टल्स, ये पैटर्न्स पूरे विश्व भर में हर रचना में हमें नजर आ रहे हैं और ये उसकी ब्यूटी में, ये सारे फ्रैक्टल्स या ये सारे पैटर्न्स उनकी ब्यूटी में ऐड करते हैं ना, उसको रचना को गहराई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक बोर्ड है जिसके ऊपर कंप्लीट ब्लैक कलर का कलर पेंट हुआ हुआ है, वर्सेस मेरे पास में एक बोर्ड है जिसके अंदर इतनी सुंदर आकृतियां बनी हुई है जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। किसको हम देखना पसंद करेंगे, किसको, किस पर हम अटक जाएंगे, किस पर हम रुक जाएंगे, राइट? एक है ऑफकोर्स दिस कलरफुल सीनरी, कलरफुल पैटर्न्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम वहीं रुक जाएंगे और वहीं पर हम कॉन्टेम्पलेट करने लगेंगे, हम खो जाएंगे, देखने लगेंगे, जुड़ जाएंगे, वर्सेस एक ब्लैक कलर पेंट हुआ हुआ बोर्ड जिस पर कोई गहराई नहीं है। तो जितने पैटर्न्स होते हैं, जितने तरह की स्टाइल्स होती है, जितने कलर्स होते हैं, वो हमारी ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, नेचर की गहराई को में ऐड करते हैं। और गहराई को देखना, गहराई को समझना, गहराई को कॉन्टेम्पलेट करना, गहराई में से बातों को निकालना और एक नया व्यू देख लेना, नई क्रिएटिविटी ले आना, कुछ इस तरीके से हमारा मन काम करता है। तो नेचर जो कि एक तरीके से हमें एक स्टेज देती जहां पर आकर के हम अपना रोल प्ले करते हैं, उस स्टेज पे वो सिर्फ ऐसे नहीं है हमें ऐसे दे देते, हमें आकर के हमारा रोल प्ले करना पड़ेगा, दुख है, अशांति है, हम दर्द में हैं, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा नहीं है। लेकिन नेचर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है, ड्रामा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो हमें रखता है अपने साथ, जो हमें एक बहुत सुंदर दुनिया देता है देखने के लिए, समझने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। जितने सुंदर पैटर्न्स होते हैं, उतने सुंदर पैटर्न्स को मेरा ये माइंड, जो कि बाबा अपनी शक्तियों से पवित्र करते हैं, इस माइंड के थ्रू मैं इन
अनेक पैटर्न्स को समझती, अनेक अनेक पैटर्न्स में मीनिंग डालती और उन अनेक अनेक पैटर्न्स को एक्सपीरियंस करती। तो ये एंड प्रोडक्ट होता है बाबा के और मेरे मिलने का, कि ये प्रकृति सुखदाई हो जाती है क्योंकि मेरा मन भी इन पैटर्न्स को डिकोड करके सुख का अनुभव करता है। वर्सेस आज के समय में जब ये मन पैटर्न्स को डिकोड करके दुख की अनुभूति करता है। तो लेकिन अब गॉड एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड गॉड की साइकी, सबसे पहले बाबा के सामने जब बाबा आता है तो बाबा के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बाबा गॉड कौन है। अगर हम देखें हमारे पास्ट को, पास्ट के 63 बर्थ्स को अगर हम देखें, तो हमने गॉड को बहुत ज्यादा एंजेलिफाई कर दिया, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा विचित्र, अनकॉम्प्रिहेंसिबल, यू कांट अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, जैसे प्रकृति की गहराई को देखने के लिए, प्रकृति को ऑब्जर्व कर करके उसके डीप सीक्रेट्स को समझते गए। प्रकृति वॉज देयर, प्रकृति वॉज बीइंग, प्रकृति तो थी ना, वो मुझे थोड़ी समझा रही है, प्रकृति मुझे थोड़ी बोल रही है ए प्लस बी करोगे तो सी आएगा, 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। नो, प्रकृति क्या कर रही है, वो बीइंग है, वो जी रही है, वो है, वो अपने स्वधर्म में, वो अपने स्वरूप में टिकी हुई है। और मैं आत्मा अपने सेंसेस के द्वारा, अपने सटल पावर्स के द्वारा प्रकृति को समझ रही, डिकोड कर रही। लेकिन 63 बर्थ से डिकोड करने के लिए हमारे सामने गॉड था ही नहीं, तो हमने क्या किया, गॉड को सिंथेसाइज किया। 63 जन्मों में जितने शास्त्र लिखे गए, जितनी भी बातें लिखी गई, आप देखिए चाहे वो होली बाइबल हो, चाहे वो होली कुरान हो, हर एक चीज, या फिर बाबा ने कहा सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता हो, लेकिन हर एक चीज लिखी गई है इंसानों के द्वारा, जहां पर इंसान ने भगवान का आविष्कार किया, कुछ पुरानी यादों के बेसिस पे, कुछ नेचर से कंपेयर करके, कुछ इंसानों से कंपेयर करके एक गॉड को बना दिया, और कुछ इच्छाओं के ऊपर निर्भर करके कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, या भगवान को मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ही इज द सेवियर, ही इज द ऑलमाइटी, ऑल दीज थिंग्स। उसके कारण हमने भगवान को, गॉड को सिंथेसाइज किया, क्रिएट किया, राइट। और उस क्रिएशन में हमने अनेक अनेक चीज सोची कि वो इस दुनिया के परे, कोई चीज उनको नहीं छू सकती है, वो है नहीं, है नहीं पता, राइट, कि वो सर्वोपरि है। बहुत सारी बातें हमने भगवान के बारे में बोली, तो उससे हमने बोला उनके ऊपर कोई नियम अप्लाई नहीं करते, वो सर्वशक्तिवान है, ही इज द मोस्ट पावरफुल, वो तो सारे रूल्स के बियॉन्ड है, तो उनके ऊपर रूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे हर दुख दर्द को, मेरे हर डिसकंफर्ट को ले जा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं टोटली रूट से। वो नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएंगे, बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी, राइट। एंड वो मेरे लिए किसी भी बात को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो मेरे लिए जो मैं कहूँ वो कर सकते हैं। हम ये सोच रहे होंगे, लेकिन जब हम नॉलेज में आए, जब हम यहाँ पर हैं, यही सारी बातें तो बोली जाती है बाबा के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस, कहा ना बाबा आए हैं दुख हरता सुख करता है, बाबा आए हैं समय को परिवर्तन करने के लिए, बाबा रहते हैं परम धाम में, यहाँ तो रहते नहीं, कहीं और रहते, वहीं से आए हैं, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ही है। ऑफ कोर्स उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वहां पे तो कोई रूल्स ही नहीं है जहां से वो आए हैं। तो हो सकता है ये जितनी भी बातें शास्त्रों में लिखी गई या बाइबल में लिखी गई हो, कुछ हद तक वो सही भी रही, लेकिन नॉट इन द वे वी कॉम्प्रिहेंड, लेकिन उस तरह से सही नहीं है जिस तरह से हम उसे समझते हैं। सत्य है
बातें सत्य है, लेकिन उसके पीछे की जो हमारी समझ है, जो हमारा थॉट है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और इसके लिए जो परमात्मा की पोजीशन है, वो पोजीशन को हम समझ कर भी नहीं समझ पा रहे। तो लेट अस अंडरस्टैंड, इस बुद्धि को सुलझाते हैं आज, थोड़ा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक देखा गॉड के बारे में इतना सुंदर पिक्चर, उसको दो पल के लिए साइड कर देते हैं। इस पूरे सेशन में गॉड इज नॉट गॉड, गॉड इज नॉट गॉड, भगवान भगवान नहीं है, भगवान एक लिविंग बीइंग है, एक बीइंग है। लेट अस सी हिम लाइक दिस, भगवान नहीं है, वो एक पर्सन है, वो एक बीइंग है, वो एक सोल है, और उस सोल की साइकी को और उसके कर्तव्य को आज हम समझ रहे हैं। हमने सारा एंजेलिफिकेशन, सारा रिकंस्ट्रक्शन, सिंथेसाइज्ड वर्जन ऑफ गॉड को साइड कर दिया है, और अब हम उसे एक पर्सन की तरह देख रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि बाबा परमात्मा एक्चुअल में कौन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने की है, हमें हमेशा ये बात याद रहे, आज के समय में परमात्मा भगवान नहीं है। वो भगवान कब बनता है, जब भक्त आते हैं, भक्त परमात्मा को भगवान बनाते हैं, हम नहीं बनाते। फिर हम क्या बनाते हैं, वो हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले इस लिविंग बीइंग को फॉर अ मोमेंट, इस पूरे सेशन के लिए हम भगवान की उस सारी एक्सपेक्टेशंस को साइड करके इस लिविंग बीइंग को समझते हैं, और इस लिविंग बीइंग की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। आज हम शिव बाबा की प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या रही है एंड उसके लिए वो क्या करते हैं। सबसे इस पहली सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है बाबा के सामने कि बाबा जो है ना, उनके पास शरीर नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाबा के पास में। ओके, अब शरीर नहीं है तो उनका कोई चेहरा नहीं है, उनका कोई रंग रूप नहीं है, उनकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए कहा जाता है विचित्र। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी टोटली कोई इमेज नहीं, लेकिन जिस इमेज को हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं वो इमेज उनके पास नहीं है। उनके पास मुख नहीं है बोलने के लिए, ठीक है, बॉडी नहीं है जिसके द्वारा उनका कोई इम्प्रेशन पड़े एक बॉडी को देख करके। आज आप ये देख रहे हैं, प्रति बहन का शरीर देख रहे हैं, आप अपना शरीर देख रहे हैं, अपने युगल का शरीर देखते हैं, बच्चों का देखते हैं, पड़ोसियों का देखते हैं, सबको देख करके हमारे दिमाग, हमारा मन, हमारा इंटेलेक्ट उनको डिकोड करने लग जाता है, राइट, समझ लग जाता है। अच्छा, कृति बहन का चेहरा ऐसा है, ओके, व्हाइट साड़ी पहना है, ओके, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर है, चेहरा ऐसा है, ओके, लुक्स लाइक फ्रॉम इंडिया है, अच्छा, जो बोल रहे हैं लगता है इनको इंग्लिश आता है, अच्छा ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखा रही है, ओके फाइन, मीनिंग उनको कंप्यूटर चलाना भी आता है। विदाउट हर सेइंग एनीथिंग, वो कुछ कहे आपसे, उससे पहले ही उनको देख करके, उनके उनके आचरण को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके, हम उनके बारे में बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, राइट। आप सोचिए, इतना बड़ा डेटा पॉइंट जिससे कि हम परमात्मा को समझ सके, हम ही नहीं, 63 जन्मों के सारे शास्त्र लिखने वाले, वेद लिखने वाले उनको समझ सके, वो बॉडी उनके पास नहीं है, और उनके पास मुख भी नहीं है कि वो बोल सके, कि वो बता सके कि मैं ऐसा हूं, वो भी नहीं है। ओके, उनके वो एक्चुअल में इन दो आंखों के लिए इनविजिबल है, राइट। चलो हम बोल लेते हैं उनका शरीर नहीं है, उनको मुख नहीं है, वो तो ज्योति बिंदु है, तो बिंदु दिखना चाहिए, बिंदु भी नहीं दिखता है, वो भी इनविजिबल है। ओके, वो भी नहीं दिख रहा है, अब वो नहीं दिखने के कारण कुछ नहीं पता, है नहीं है, डोंट नो, मेरे पास अभी है बाबा नहीं है, क्या पता, आई डोंट नो। ओके, प्रॉब्लम फॉर शिव बाबा, कीपिंग दैट इन माइंड, बुद्धि में इस बात को हमेशा याद रखे, ये शिव बाबा के इश्यूज है, ये बाबा की प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद में उनके खूब सारे नेम डाल दिए, क्यों, क्योंकि उनका कोई नाम उनको पता नहीं, उनका चेहरा पता नहीं, तो सिंथेसाइज जब किया गॉड को, क्रिएट जब किया गॉड को, तो गॉड के कई सारे नाम डाल दिए, कई सारे चेहरे दे दिए, क्योंकि उनका चेहरा नहीं है। तो समझने के लिए अलोंग दिस 63 बर्थ्स की यात्रा में
उनको कई सारे नाम, कई सारे चेहरे दे दिए, है ना, क्योंकि देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं उनको, सिर्फ फीलिंग के रूप में, या सिर्फ हमें जो याद है, या जो मेरी रिक्वायरमेंट है, या जो मेरी कहानी है उसके बेसिस पे, या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है प्रकृति की, इंसानों की, वातावरण की, टेक्नोलॉजी की, जिसकी भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर भगवान को एक नाम दिया है और भगवान को एक चेहरा दिया है। ओके? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिव बाबा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा हुआ है, नो वन इज देयर जो उसको क्रिटिसाइज नहीं करता हो, जो उसको दो बातें नहीं सुनाता हो, तुमने क्या किया मेरे जीवन में आकर के, कुछ नहीं किया, जीवन बर्बाद हो गया मेरा, कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ हो तुम, मदद क्यों नहीं करते हो, अरे भगवान तो किसी काम का नहीं है, है ही नहीं भगवान तो, सबसे बड़ी बात तो भगवान है, आई डोंट बिलीव गॉड इज देयर, तो कुछ करता ही नहीं। तो अब लेट अस थिंक अबाउट शिव बाबा, जिनके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स है, जब वो आते हैं संगम के, सॉरी कलयुग के अंत, जिसको हम संगम कहते हैं, आते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आते हैं। अब चलो ठीक है, ये तो उनकी प्रॉब्लम है कि इतनी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो मैंने कुछ बताई यहाँ पर, हम और इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं कि बाबा की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ओके? कुछ ये प्रॉब्लम है, कुछ जिनसे वो मिलने आए हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स है, राइट? अब उनको क्या कहेंगे, करप्टेड ह्यूमन कनेक्शंस। क्यों करप्टेड कह रहे हैं वो हम समझेंगे। करप्टेड ऐसा नहीं है कि करप्टेड इज एन एब्सोल्यूट टर्म, रिलेटिव टर्म। तो अब बाबा जैसे तैसे करके अपने बारे में बताते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा बाबा हूँ। सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बाबा के सामने जो है वो बोलते हैं मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और हमारा दिमाग जाता है ओह वंडरफुल, आई नो हु यू आर, ये बाबा तपस्या करने वाले, आज तक आपने धोखा दिया, देखो सन्यासियों के घर में क्या हो रहा है, कैसे रह रहे हैं, ये बाबा हो आप, नॉट यू, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, ठीक है, आप तो हमें घर छुड़वा दोगे, आप तो हमें वहां भिजवा दोगे, हिमालयाज में बिठवा दोगे, ठीक है, आप तो बोलोगे सब त्याग कर दो, नहीं 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 हमें ऐसा बाबा नहीं चाहिए। अच्छा बोलते हैं बच्चे ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, घर, अपने घर को याद करो, ओहो घर तो मेरा बहुत सुंदर है, घर तो है मेरे पास में, बताओ ये एड्रेस है, ये सिटी है, ये स्टेट है, ये कंट्री है, यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, एवरी सेट, आई डोंट नीड अ होम फ्रॉम यू, आई हैव अ होम, आई हैव अ प्लेस टू लिव। फिर बाबा बोलते बच्चे को चलो ठीक है, घर भी नहीं चाहिए, ठीक है तो याद करो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और हमें कौन याद आ जाता है, हमारे पापा, अरे नहीं नहीं मुझे तो जन्म दिया है ना, आई हैव अ फादर, ब्यूटीफुल फादर, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ध्यान दिया, और अगर ब्यूटीफुल भी नहीं रहा, सपोज करो उन्होंने हमें दुख भी दिया, नो नो आई डोंट वांट अ फादर, आई ऑलरेडी हैव वन, मेरे पास ऑलरेडी एक था, उन्होंने जो किया ना वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे और कोई पिता नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर बाबा बोलते अच्छा चलो ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है चलो मेरे से सुख ले लो, ओ सुख, सुख इज लाइक डांसिंग, सुख इज घूमना फिरना, आप मुझे घुमाने ले चलोगे, मुझे इटली दिखाओगे, पेरिस दिखाओगे, आप मुझे सुंदर सुंदर जगह दिखाओगे, यही सुख है, राइट? सो इज लाइक ओके फाइन, सुख भी नहीं चाहिए, ठीक है चलो प्यार ले लो, प्यार तो बात मत पूछो, I have an eye for someone, ठीक है आप मुझे उनसे मिला दोगे क्या, आप मेरा रिश्ता उनसे पक्का करा दोगे क्या, दैट इज द वन आई वॉन्ट एज माई लव। आप ये है बाबा की सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो इम्प्रेस नहीं कर सकता, और अगर वो इम्प्रेस करना भी चाहे somehow, वो हमें कुछ बताना भी चाहे, तो हमारा ऑलरेडी इंटेलेक्ट इज सो फुल ऑफ कनेक्शंस, इसलिए इसको कहा गया करप्टेड कनेक्शंस, नॉट फॉर एवरीवन। जो यहाँ पर बहन दिख रही है उसके लिए इस भाई के साथ का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा राइचियस है, करप्टेड नहीं, करप्टेड नहीं है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विद ईगर, तो ठीक है उनके लिए एकदम सही है, लेकिन बाबा के लिए करप्टेड है, बिकॉज वो कहाँ से अपने बच्चों से आकर मिले, पहले तो उनकी खुद की प्रॉब्लम है प्लस इस समय की प्रॉब्लम, तभी शिव बाबा क्या करें, क्या लगता है आपको क्या करेंगे शिव बाबा?
Now Shubha was thinking, what should he do? तो हाँ, वो अपनी रियलिटी बताते हैं, लेकिन वो रियलिटी ऑलरेडी टैग्ड है हमारी किसी और चीज के साथ. वो रियलिटी ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमें लेके जा रही है. तो हम उस बात को ठहर, उस बात पर ठहर नहीं सकते जो बात बाबा हमें बताने आते हैं, जो बात हमें रियलाइज कराने आते हैं. तो फिर बाबा क्या करेगा? तो लेकिन बाबा एक और चीज है, बाबा इज अ विक्टर. ओके, बाबा हार नहीं मानते, और हार खाने वालों में से है भी. तो बाबा क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, हमें बाबा के पास नहीं है कि बाबा युक्तियों का सागर है. ओके, सो दिस इज वेयर हिज जर्नी ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, यहां पर उनकी जर्नी साइकोलॉजिस्ट होने की शुरू होती है. के वो युक्तियों के सागर है. अब युक्तियों का सागर, ये उनकी क्वालिटी है. जैसे कि शुरू में हमने बात करी थी कि अगर आपको पता चलता है आपके अंदर कोई गुण है या शक्तियां, शिव बाबा के अंदर जो गुण है, तो शक्तियां, इसका आप कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करते हो, राइट? आप उसको यूज करते हो. तो ऐसे हमने कई जवाब दिए. तो ऐसे ही शिव बाबा की एक गुण, एक शक्ति है कि वो युक्तियां, ही इज वेरी क्रिएटिव. वो क्रिएटिविटी का सागर है. तो क्रिएटिविटी मना ही युक्ति, युक्ति का सागर है. तो युक्ति का सागर हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, और क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, ड्रामा के सीन्स को यूज करते हैं. आप सपोज करिए, जो हमने इतना सुंदर चार्ट देखा था कि हर एक जगह पर हमारी बुद्धि अटकी हुई है. घर गए तो घर याद आता है, मना लौकिक घर याद आता है. प्यार गए तो हमारे बिलवेड समय याद आते हैं. बाबा कहे तो हमें सन्यासी याद आते हैं. तो जो ये बुद्धि हमारी अटकी हुई है, इस बुद्धि को डिवाइन ड्रामा सहयोग देता है कि वहां पर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन कट हो. ओके, कैसे? कुछ हो गया, सपोज हमारे बिलवेड ने शरीर छोड़ दिया, या हमारे पापा के साथ, हमारे लौकिक के फादर के साथ कुछ हो गया, एंड सपोज हमारे घर के ऊपर कोई बड़ी सी बात क्रिएट हो गई, एंड जो हमारा कनेक्शन था, या जिस कनेक्शन के थ्रू, जिस रिलेशन के थ्रू हमारी इन सब आत्माओं से या इन चीजों से जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई, या दर्द क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? कुछ पल के लिए कनेक्शन कट हुआ, और उसी समय बाबा मौका लेकर के एंटर करते. और ये हमने देखा भी है, राइट? हमने देखा है, किसी के जीवन में कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तुरंत उनको ज्ञान समझ आता है, उनको नॉलेज समझ आती है, राइट? क्यों? क्योंकि उस समय पे टेम्पररीली हमारे इंटेलेक्ट का कनेक्शन कट हुआ हुआ है. जो देहबान का आर्मर है हमारे ऊपर, उसमें एक दरार आई है, और उस दरार को यूज करके बाबा सीट से, बाबा अंदर जाते हैं टू टच अस, राइट? तो साइकोलॉजिस्ट था, प्रॉब्लम्स थी उनके सामने, बच्चों को समझता है, ये सारी चीजें समझ में आती है. इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि शिव बाबा हमें समझते हैं, हमारे इंटेलेक्ट को समझते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इसका सोल्यूशन निकालते हैं. रुकते नहीं है एक जगह, क्या मैं क्या करूं, I can't do this. No, I have to do this. But how will I do this? मैं कैसे करूंगा? उसकी युक्ति रचते हैं. तब कहा जाता है ज्ञान में, बहुत सुंदर तरीके से कहा जाता है, योग युक्त युक्ति युक्त. योग में रहने से, शिव बाबा के साथ कनेक्टेड होने से हमें वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिसके थ्रू हमारे सामने जो इशू क्रिएट हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है, उससे हम बाहर निकल सके. जैसे कि बाबा बाहर निकलते हैं, राइट? हर पल एक क्रिएटिव सॉल्यूशन को सामने रखते हैं. तो हम उनसे सीख रहे हैं, अगर बाबा इस तरह से जिए ही नहीं, या बाबा इस तरह से अपना कर्तव्य ना कर, वो युक्ति युक्त नहीं रहे,
तो वो हमें कैसे सिखाएंगे युक्तियुक्त होना? नहीं सिखा सकते। जो वो है वही तो वो सिखा सकते, राइट? तो पहला सेट, पहला हमने समझा बाबा किस तरीके से ड्रामा के सीन्स को यूज करके हमारे नॉट जस्ट अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, बट ज्ञानियों को और पक्का ज्ञानी बनाना, उनके और प्रेजेंट कनेक्शंस को कट करके बाबा की एंट्री को लाना, ये बाबा का थ्रू आउट संगम में काम चलता रहता है। क्योंकि प्रॉब्लम सभी सेम है, क्यों? क्योंकि बाबा निराकार है, बॉडी नहीं है, बोल नहीं सकता है, टू मेनी फेसेस, अभी भी हमारे बीच में कंफ्यूजन है। ये शिव बाबा, ये थॉट जो मुझे आया, ये शिव बाबा का था या मेरा था? कितनी बार हमारा ये होता है, ऑलमोस्ट हर क्लास जो मैं सुनती हूँ उसमें Q&A जब होता है, कोई ना कोई एक भाई और बहन जरूर इस क्वेश्चन को पूछता है, ये जो मेरे पास संकल्प आया, ये संकल्प मेरा था या बाबा का था, मुझे ये बताओ, राइट? क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमने बाबा को जान लिया, बट स्टिल कनेक्शन, अनेक चीजों से जुड़े होने के कारण, बाबा का से कनेक्शन नहीं होने के कारण समझ नहीं आता ये बाबा था या मैं थी, किसका संकल्प, बिकॉज आई डोंट नो हिम, है ना? तो ये बाबा की नोइंग की जगह। दूसरी चीज, अब हम इस लिविंग बीइंग को एक रोल देते हैं, फादर का, ओके? क्योंकि पिता है ना वो हमारा। अब इस फादर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं, ठीक है? फादर की सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बच्चों से बिछुड़ चुके हैं जो उनके बच्चे हैं, तभी तो कहते हैं ना सिखी लदे लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, बच्चे तो लॉन्ग लॉस्ट बच्चे हम हो चुके हैं, एकदम बिछुड़ चुके हैं बाबा से, तेसर जन्म धक्के खा खा कर एकदम, और इतना सारा उनके बारे में चीजें सिंथेसाइज कर करके हमारी ये हालत हो गई है कि हमारी बुद्धि उनसे टोटली वियोग में है, वियोग में है, नॉट इन कनेक्शन, वियोग मना नॉट इन कनेक्शन विद शिव बाबा, ओके? योग बना कनेक्शन। तो पहली चीज, उनके बच्चे उनसे बिछुड़ चुके हैं। दूसरी चीज, उनके बच्चे उनकी भाषा ही नहीं बोलते, राइट? हम बोलते हैं वर्ड्स में, वो बोलते हैं थॉट्स में, वो यूज करते हैं टेलीपैथी, और हमें तो भैया सब चीज एकदम क्लियर कट बतानी पड़ती है, ये इतने बजे जाना है, इतने बजे उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, एवरीथिंग हैज टू बी ऑर्डरली फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो बाबा है एब्स्ट्रैक्ट और मैं बन गई हूँ एकदम कंफाइंड, ठीक है? तो आई डोंट स्पीक हिज लैंग्वेज, मैं उनकी भाषा नहीं बोलती हूँ, तो समझ नहीं पाते। दूसरी बात, और कौन सी भाषा हमें समझ में आने लग गई है आज के समय में? पैसा होना बहुत जरूरी है, राइट? अच्छी नौकरी होना बहुत जरूरी है, अच्छा घर होना बहुत जरूरी है। बाबा घर बनवा लें क्या, पैसे पड़े हैं घर बनवा लें क्या, बाबा ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, क्यों? Although we know him, still we don't speak his language, still we do not understand. हम कैसे बन गए एकदम downtrodden, एकदम characterless? Of course, बाबा कहते ना, आप worth not a penny, आपको pound बनाने आता हूं। तो हम क्या बन गए हैं, हम we have become downtrodden, worthless बन गए, okay? उसके बाद में हम क्या बन गए हैं, slaves बन गए। कहा बाबा ने हमें अधिकारी बच्चा बनाया था और अभी हम क्या बन गए, स्लेव्स बन गए। बाबा देखते हैं ऊपर से, सोचिए बाबा नहीं बोल करके हम शिव बाबा नहीं हम समझते, हम एक पर्सन एज अ फादर देख रहे हैं, वी आर कीपिंग दैट गॉड फैक्टर आउट, ताकि हम उसको एकदम अलग रख रहे हैं गॉड का फैक्टर शिव बाबा से, और सिर्फ उसे एक पिता के रूप में देख रहे हैं। जब एक पिता अपने बच्चे को देख रहा है तो उसने देखा मुझसे काफी समय से पहले से पिछड़े हुए, मेरी भाषा भी नहीं समझते, मुझे ही नहीं समझते, मुझे ही नहीं जानते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा डाउन ट्रॉडन हो गए, बहुत गरीब, बहुत ही बेकार स्थिति में आ गए हैं, एकदम वो क्या कहते हैं उसको, लाचार बेबस हो गए, शक्तिहीन हो गए हैं, स्लेव्स बन गए हैं, ठीक है? उसके बाद में अपने ही पास्ट से, अपने आप मुझसे तो बिछड़े हुए ही हैं, स्वयं से भी बिछड़े हुए, अपने गोल्डन पास्ट से भी बिछड़े हुए, अपनी आइडेंटिटी से कंप्लीटली बिछड़े हुए हैं। अब ये एक पिता के सामने प्रश्न है कि उसको क्या करना चाहिए, तो आप लोगों के सामने भी प्रश्न है।
इस पिता को क्या करना चाहिए? तो हम समझ सकते हैं एक पिता के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों से जो बिछड़ा हुआ है, और बिछड़े तो बिछड़े, टोटली डिस्कनेक्टेड है, वो किस तरीके से दोबारा अपने बच्चों के साथ में कनेक्शन क्रिएट करे, राइट? एक बार को तो चलो हमारे जीवन में वो आ गया, हमने जैसे देखा ज्ञानी के अज्ञानी के जीवन में आकर के उसको ज्ञानी तो बना दिया, कोई ना कोई ड्रामा का सीन लेकर के उसने हमारे जीवन में एंट्री तो ले आए, आ तो गए हैं, लेकिन अब इस कनेक्शन को डीप करना, अपने पिता के रूप को हमारे सामने ला कर रखना, वो कैसे वो कर सकते? तो उसके लिए शिव बाबा ओपन करते हैं यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, राइट? हम उस युक्तियों के सागर की युक्तियों को समझ रहे हैं, हर पल उनके सामने एक क्वेश्चन होता है, और फिर वो अपनी क्रिएटिविटी के पावर से उस क्वेश्चन का जवाब निकालते हैं। हमने सबसे पहली क्लास में भी ये बात समझी थी जब हमने हिस्ट्री को समझा था ब्रह्मा कुमारी की, कुछ भी सेट नहीं था, पहले हैदराबाद सिंध में रहते थे, फिर कराची गए, फिर माउंट आबू आए, फिर माउंट आबू में पांडव भवन में आए, फिर शांतिवन आए, फिर शांतिवन के कितने सारे अदर अदर कॉम्प्लेक्सेस खुले, और अब तो बाबा ने आना बंद कर दिया है। तो हर पल पार्ट चेंज हो रहा है, राइट? हर पल पार्ट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हर पल शिव बाबा के सामने एक नया क्वेश्चन, हर पल ड्रामा के सामने एक नया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो था कि मैं बच्चों के जीवन में एंट्री कैसे करूं, वी अंडरस्टूड ही यूजेस ड्रामा। सेकंड क्वेश्चन है कि मैं बच्चों को अपने पिता होने का, अपने होने का अनुभव कैसे करूं, तो हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते हैं। किस लिए? बिकॉज ही हैज टू बी द नंबर वन फादर, वो है नंबर वन फादर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो नंबर वन नहीं है। हमारे दिमाग में अनेक अनेक कनेक्शंस होने के कारण हमारे फादर, हमारे लौकिक के फादर होंगे, या हमने किसी और को ऐसे फादर के रूप में बनाया होगा, बड़े के रूप में बनाया होगा, मार्गदर्शक के रूप में बनाया होगा, उन सबके साथ उनका कॉम्पिटिशन है शिव बाबा का। किस लिए? कि वो नंबर वन फादर के रूप में निकल के आए, राइट? तो उसके लिए शिव बाबा क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं, रोज सुनाते हैं, रोज अपनी ही खुद की बड़ाइयां सुनाते हैं। आपने मुरली में देखा होगा शिव बाबा अपनी कितनी बड़ाइयां करते हैं, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा के पास सर्व शक्तियां हैं, तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करो। कभी आपने सोचा नहीं, अरे बाबा आप कितने स्वार्थी हो, हमसे भाभी को याद करें, ये कौन सी बात होती है? अरे भाई हमारे पास और भी चीजें हैं करने के लिए, आप हमारा तो सोचते ही नहीं हो, आपको तो बस अपनी पड़ी रहती है हमेशा, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ। नहीं सोचा कभी हमने ये बाबा आप तो यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, आपको आप स्वयं को कितना पसंद करते हो, क्यों क्यों करते हैं बाबा ऐसे? आप नोटिस करेंगे शिव बाबा हर चीज करना मुरली के द्वारा सिखाते हैं। हमने बाबा बोलना शिव बाबा को कैसे सीखा? याद कीजिए, हम शिव बाबा को बाबा बोले ये हमें कैसे पता चला? मुरली में पढ़ पढ़ के शिव बाबा बाबा बच्चों को बताते हैं, बाप बच्चों को बैठ सिखाते हैं, ये सारे रिश्ते नाते जो हम समझते हैं ये हमें कहां से पता चल रहे हैं? हम उनसे टेलीपैथिकली तो कनेक्टेड है नहीं, नए नए आए हैं, ज्ञान में अनुभव भी इतना नहीं है, तो कहाँ से पता चलता है? हमारी पढ़ाई से, रोज की पढ़ाई के द्वारा साइकोलॉजिस्ट शिव बाबा हमारे मल्टी कनेक्शंस जो हुए हुए हैं उनको डिसकनेक्ट करके नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं विद हिम और विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। मैं तुम्हारा बाबा हूं, मुझे बाबा बोलो, प्रभु बोलने से रस नहीं आता, बाबा बोलो, ईश्वर बोलने से रस नहीं आता, बाबा बोलो। क्यों बोलते हैं बाबा? ताकि हम उस फीलिंग को फील कर सके, या हम पहले तो नॉलेज धारण कर सके कि वो बाबा है, दूसरी बात हम उसको फील कर सके कि शिव बाबा मेरा पिता है, इसमें फादर,
तो कितने प्यार से, पेशेंस से वो रोज हमें पढ़ाते हैं, रोज बताते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वो हमें नई सोच सिखाते हैं। सोचना भी कैसे है वो भी शिव बाबा सिखाते हैं पढ़ाई के द्वारा। बच्चे तुम्हें अगर कोई गुस्सा करे तो तुम मुंह में मुलहरा डाल दो, बोलो मत, एक चुप सौ सुख, राइट। ऐसे करके कितनी सारी बातें पढ़ाई के द्वारा इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल जो बाबा ने क्रिएट किया है, बच्चों के लिए बनाया है एक युक्ति के रूप में कि उनको उनका ही परिचय कैसे मिले और शिव बाबा का कैसे मिले और आने वाले समय के लिए वो पढ़ लिख कर होशियार कैसे हुए, जो कि एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पास कई सारे भाई भी जुड़े हुए हैं जो कि पिता का रोल निभाए होंगे अपने जीवन में। हम सोच सकते हैं हमें कितनी चिंता रहती है हमारा बच्चा पढ़ लिख कर महान बने, अच्छा बने, तो शिव बाबा को भी फिक्रा रहता है, बोलता है बाबा, फुरना रहता है मुझे कि मेरे बच्चे बड़े होकर के काबिल बने, कैरेक्टर वाले बने, राइट। तो इस पढ़ाई के द्वारा युक्ति जो उन्होंने रची कि इस पढ़ाई के द्वारा मैं उनको नई सोच दूंगा, ओके। इस यज्ञ के द्वारा, जहां पर पहले हमने समझा यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, पढ़ाई लेते सिर्फ पढ़ाते ही हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत थी, सोचने वाली बात है। तो हॉस्पिटल के द्वारा हमसे वो जिस तरह के कर्म करवाते हैं, उन कर्मों के द्वारा हमारा जो पिछला कर्म करके आए हैं, जो हमें उनको समझने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उनको नलिफाई करने वाला न्यू अकाउंट क्रिएट हो। हम सिर्फ ये सोचे, सपोज हम सिर्फ इस बात को सोचे, आज ब्रह्मा कुमारी इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ मूली पढ़ाई जाती, कोई सेवा नहीं होती, तो क्या हमारे बैंक में पुण्य का खाता जमा हो पाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो पाता, दुआओं का खाता जमा हो पाता? और हमें पता है इनके द्वारा ही हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती है, हम उड़ने लग जाते हैं, है ना। और जैसे उड़ते हैं तो शिव बाबा को समझते हैं। तो बाबा ने एक युक्ति सोची, मैं क्या करूं, मैं जा करके एक यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलता हूँ जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और बच्चों को मौका भी देता हूँ कि वो दूसरे को पढ़ा पाए, ताकि उनके ऐसे कर्म डिपॉजिट हो जो उनको मुझे रचना को समझने में हेल्प करें, राइट। तो वो क्या बने शिव बाबा यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्वर। किस तरह से उन्होंने इस चीज को शुरू किया, अगर हमने यज्ञ में देखा हो पहले के समय में, हमने हिस्ट्री समझी है, सुनी है, तो सेवा का पाठ जब माउंट आबू में आए तभी शुरू आए 1950s के बाद, और हमारा यज्ञ तो शुरू हो गया था 1936 में। इतने सालों तक सेवा को कोई नाम ही नहीं था, बाय, क्योंकि तब तक इस युक्ति की जरूरत नहीं थी। समय के साथ जैसे जैसे पाठ बदला, युक्ति बाबा ने रची। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, अब अलख निरंजन करो, ये कहा गया, अलख निरंजन करो माना जाओ, दान करो, बांटो, बांटो और लेकर आओ, दान लेके आओ, है ना, दुआएं इकट्ठी करो, सेवा का फल इकट्ठा करो, राइट। तो ताकि हमारा नया अकाउंट बाबा के साथ क्रिएट हो, है ना। अभी तक हमारा अकाउंट किसके साथ था, सारी दुनिया के बहुत सारे इंसानों, वस्तुओं, वैभव, इनसे था। अब इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल के द्वारा मेरा अकाउंट शिव बाबा से क्रिएट हुआ है, बिकॉज उनको एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस हमें देनी है ना। शिव बाबा के पास में बहुत, शिव बाबा बहुत अमीर है, हमारा पिता बहुत अमीर है, लेकिन वो मुझे देगा कैसे जब तक कि मेरा उनसे रिलेशन नहीं हो, मेरा उनसे कोई अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ हो, बच्चे का, शिष्य का, जो भी हम बोले, रिलेशन के द्वारा वो देगा कैसे। इस रिलेशन के द्वारा ही तो प्राप्ति है, बिना रिलेशन के कोई प्राप्ति नहीं है। तो उसने हमें अकाउंट क्रिएट करना, उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना सिखाया इस यज्ञ के द्वारा। अनदर थे, अब उन्होंने देखा हमारे सारे बच्चे इधर उधर बिछड़े हुए हैं, एक दो से बिछड़े हुए हैं, जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल के द्वारा करीब लाया, और इसी के द्वारा उन्होंने, सॉरी, इसी के द्वारा उन्होंने इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल की रचना रची। तो हम इस रचना के
सीड को देख रहे हैं कि बाबा को ये संकल्प भी कैसे आया कि उनको ये सारी चीजें क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चे मुझसे बिछड़े हुए हैं, मेरे पास इतना कुछ है देने के लिए इनहेरिटेंस के नाम पे, पर मैं दे नहीं सकता बिकॉज मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई उनसे रिश्ता नाता नहीं है। वो क्रिएट करने के लिए शिव बाबा ने यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोला। अब शिव बाबा का एक और कर्तव्य है, परिवर्तन करने का कर्तव्य, ट्रांसफॉर्मेशन का कर्तव्य। अब ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं। आज के समय में क्या हो रखा है, धरती की हालत कितनी बर्बाद है, राइट? कितनी सारी इंडस्ट्रीज, कितने सारा वेस्ट, कितनी सारी नेगेटिविटी आज के समय में हमें धरती पर दिख रही है। अब बाबा का एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझ रहे हैं, बाबा को इस धरती को परिवर्तन करना है, इस रचना को रीसेट करना है, ये उनका एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आपके अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास में ये जॉब होता कि आप इस पूरी धरती को आप परिवर्तन करना है, आपको सतयुग लाना है धरती पे, तो अभी आप क्या करेंगे? अब बाबा के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इस दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को उसको परिवर्तन करके यहां पर सतयुग की रचना करनी है, ठीक है? तो बाबा क्या जवाब लेके आते हैं? बाबा का जवाब है सैक्रिफाइस फायर, एक अग्नि बाबा लेके आते हैं। बाबा के पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, बाबा के पास में बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारी क्रिएशन, वो कुछ भी रच सकते हैं जो उनके हिसाब से जरूरत है उनको इस चीज को परिवर्तन करने की। तो बाबा ने रचा यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है फायर। ये जो फायर है, ये फायर क्या करती है? ये जो फायर है जो कि पांच तत्वों की नहीं बनी है, ओके, ये एक अलग तरह की फायर है जो बाबा अपने साथ लेके आया है। बाबा कितनी बार कहता है, बच्चे तुम्हारा सेंटर, तुम्हारा घर, मधुबन सब हवन कुंड है ना? हवन कुंड में एक आग जल रही है और मेरे अंदर भी वो आग जल रही है। बाबा कहते हैं ये विनाश की ज्वाला है। विनाश की ज्वाला को बाबा शिव बाबा अपने साथ लेकर आया है, क्यों? क्योंकि इस विनाश की ज्वाला में आहुति पड़नी है पुरानी सारी दुनिया की। अब बाबा के सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, इतनी सारी नेगेटिविटी को मैं कैसे खत्म करूं, कैसे हटाऊं यहां से, इस दुनिया से? प्योरिफाई होना अलग बात है, लेकिन इस सारी नेगेटिविटी जो मेरे बच्चों के दिल में घर करके बैठी है, प्रकृति में घर करके बैठी है, हर जगह बैठी है, इसको मैं खत्म कैसे करूं? तो बाबा लेके आए इस फायर को। ये फायर जब तक जलेगी, जब तक पूरे विश्व की, बाबा कहते हैं ना, जब तक पूरे जो इन दो आंखों से देखते हो वो हर एक चीज इस हवन कुंड में स्वाहा नहीं हो जाए, तब तक ये फायर जलती रहेगी, एक्सटिंग्विश नहीं होगी। तो ये जो फायर है, इस थोड़े फायर को आज हम समझते हैं। ये फायर जो है, ये फायर को पसंद है वाइसेस, इसको पसंद है विकार, ये विकार को अट्रैक्ट करती है। इसका काम ही है विकार को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करके अपने अंदर समा करके उन्हें खत्म करना, ये इस फायर का काम है। बाबा ने इसको इस तरह से इंजीनियर किया है, इसके अंदर सारी पुरानी दुनिया को स्वाहा करना। ये जब तक जलेगी, जब तक अंश मात्र भी कहीं पर भी कोई विकार रह गया ना, ये खत्म नहीं होगी, ये तभी एक्सटिंग्विश हो सकती है, इसका फ्यूल ही है विकार। जैसे ही विकार पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ये फायर बंद हो जाएगी, अपना काम कर लेगी। इस काम को संपन्न करने के लिए शिव बाबा ये फायर लेकर आया है। और ये फायर कहाँ कहाँ जल रही है? हमारे सेंटर्स पे जल रही है, मधुबन में जल रही है, मेरे अंदर जल रही है, मेरे अंदर के विकारों को भी तो ये खत्म कर रही है ना बैठ करके। तो ये अग्नि विनाश की ज्वाला जो प्रज्वलित हुई है, वो विनाश की ज्वाला पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आई है, पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। बाबा के सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, पुरानी दुनिया को कैसे खत्म करूं कि नई दुनिया आए। स्थापना तो हो गई, चलो सतयुग की स्थापना हो गई, हम सब तैयार हो गए, अभी पुरानी दुनिया खत्म ही नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? तैयार होकर के सर्व तो करते रहेंगे, सबको हेल्प करते रहेंगे, जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए नई दुनिया चाहिए ना।
वो नई दुनिया आने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश तो होना पड़ेगा। अब वो पुरानी दुनिया जाएगी कहाँ पर? जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड बाबा की नजर से ये पुरानी दुनिया जाएगी कहाँ पर, सोच के देखते हैं कहाँ भेजू मैं इस पुरानी दुनिया को, क्योंकि धरती तो एक ही है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है मैं आपके लिए नई धरती क्रिएट कर दूंगा, धरती तो एक ही है। अब उस धरती पर पुराने विकार वगैरह सब बैठे हैं, अब मैं इनको कहाँ भेजू कि मेरे बच्चे आकर के यहाँ पर राज कर सके। तो उन्होंने एक ऐसी फायर जगाई जो जो इन विकारों को जला देती है, खत्म कर देती है, विनाश कर देती है। उस विकारों को खत्म करने वाली अग्नि में पुरानी दुनिया, पुराना सब कुछ, पुरानी सोच, पुरानी फीलिंग्स इतने लेवल तक खत्म हो जाती है कि हमें सत्ययुग में उन बातों की अविद्या हो जाती है। वी डोंट इवन रिमेम्बर कि हमारे जीवन में कभी दुख था, इस बात की अविद्या हो जाती है। दर्द जो हमारा, सपोज करो हमारे जीवन में से प्रॉब्लम तो चली गई, बाबा के ज्ञान में आने के बाद योग अभ्यास कर करके प्रॉब्लम तो चली गई, लेकिन प्रॉब्लम जब थी उसका जो दर्द वो तो कुछ हद तक रह जाता है, जो मुझे याद दिलाता है कि हाँ मेरे जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ था, वो तक भी ये अग्नि खत्म कर देती है। नथिंग इज गिवन विद शिव बाबा। बाबा के साथ में कोई भी चीज ऐसा नहीं हाँ ये होनी है, नहीं होनी नहीं है, बाबा को करनी है। ओके कोई भी चीज शिव बाबा के साथ में ऐसा नहीं है कि ये तो बस हो जाएगी अपने आप हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, बाबा को सब कुछ करना है। बाबा को हमें पतित से पावन बनाना है, पावन बनाकर घर लेकर जाना है। पावन बन यहाँ पर है अभी, पावन बनने के बाद घर भी लेके जाना है, वो भी बाबा को सोचना है मैं इनको घर कैसे लेके जाऊंगा। घर ले जाने के बाद में वापस बाबा कहते हैं सत्ययुग में आपको आना है। अब उनको जहां आना है उस जगह की रचना भी शिव बाबा को करनी है। तो बाबा को ये सारे काम करने हैं जिसको हम टेकन ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो अपने आप हो जाएगा ना, हमें क्या करना है। अपने आप हमारे लिए हो रहा है, शिव बाबा के लिए नहीं हो रहा, शिव बाबा को ये काम करना है। तो वो किस तरह से करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सोच जब हम समझते हैं वो साइकोलॉजिस्ट की, तो हमारी साइकी भी उनके जैसा बनना शुरू करती है। We find a way, उनसे ही तो हम सीख रहे हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, सीखते सीखते हम उनके जैसा बन जाते हैं। तो इस अग्नि में स्वाहा होती है, पुरानी हर एक बात, पुराने का नामो निशान नहीं रहता, उसको खत्म करने ही आई। इसके अंदर सारी ज्वलंत चीजें जो जलती है, आज हमारे अंदर क्या जलता है? प्रेम जलता है क्या हमारे अंदर? प्रेम तो शांत करता है, सूद करता है। जो भी चीज जलती है, दर्द जलता है, दुख जलता है, क्रोध जलता है, घृणा जलती है, वो सारी चीजें इसके अंदर स्वाहा होती है, इस अग्नि के अंदर। इस अग्नि के अंदर सारी चीजें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस हो गई है, नो वैल्यू लेफ्ट, वो सारी चीजें कचरा, गार्बेज। आज देखो हम अपने अर्थ की सिचुएशन ले लेते हैं, अर्थ में देखो हर तरफ हम कितनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, प्लास्टिक में हम वेफर्स खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर जो कचरा बच जा रहा है उसका क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, हम पता नहीं हम उसका करें क्या। तो क्या है वो? इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो वर्थलेस चीजें भी तो जमा हो रही है ना आज धरती पे, भले वो वर्थलेस है लेकिन एक जगह तो घेरे हुए है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस वर्थलेस चीज का करें क्या, खत्म कैसे करें, एक्सटिंग्विश कैसे करें। तो बाबा देखो कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग लेके आते हैं। अब एक बार सोचते हैं, मैं ऐसे बच्चे के जीवन में, पूरा इसको एक बार हम समराइज करते हैं, मैं अपने बच्चों के जीवन में क्या करता हूँ, ड्रामा के सीन के अनुसार ड्रामा को यूज करके जीवन में जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल के द्वारा उनके जीवन के अनेक अनेक जो रिश्ते बने हुए हैं उन थोड़े थोड़े रिश्ते को धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींचूंगा, एक हिसाब किताब अपने साथ बनाऊंगा ताकि मेरे पास जो है वो मैं दे सकूं, उनको संपन्न बना सकूं, संपूर्ण बना सकूं। उसके बाद में जब मैं देने लगूंगा तो मुझे ये भी पता है कि मुझे बहुत सारी चीजों को यहाँ से हटाना है, खत्म करना है, इतना सारा कचरा हो गया है, सब दिख रहा है, इसको यहाँ से हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फायर लेके जाता हूँ, जिस फायर में जो भी चीज डालते हैं, जो भी विकारी होती है वो खत्म हो जाती है, एक्सटिंग मतलब खत्म, वो इट वैनिशेस, खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो मैं लेके जाता हूँ ताकि ये मेरा ये काम करे। तो अब हमें दिख रहा है कि बाबा किस तरीके से एक प्लान लेकर आए,
एक प्लान लेकर आए हैं हमें देवी देवता बनाने का, धरती को स्वर्ग बनाने का और सभी आत्माओं को, अनेकानेक आत्माओं को घर ले जाने का, राइट? तो विद बाबा, जब हमने बाबा के ऊपर से वो एंजेलिफिकेशन एंड भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, वो सब जब हमने हटाया, दूर किया, तो हम समझ पाए कि शिव बाबा कैसे इन सारी बातों के बारे में सोचता है और सोच करके क्या करता है, कैसे स्टेप्स लेता है, तभी तो हम उनके गुण और शक्तियों को समझेंगे ना। ऐसे अगर हम बोल देते हैं जैसे कि 63 जन्मों की जो हमारी आदत लगी है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियां उनके पास में। जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं ठहरती नहीं, क्योंकि हमें सब में क्या क्या है वो समझ नहीं आता, उनका कर्तव्य समझ नहीं आता। बट जब हम इस तरीके से सोचते हैं बाबा को, बाबा से सारी मिस्टीक, सारा महान, पर अरे परमात्मा बहुत महान है, ये सब हटा करके जब प्रैक्टिकली शिव बाबा को देखते हैं, तो समझते हैं कि शिव बाबा कैसे प्लान लेके आ रहा है। बाबा ने क्या कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा है आज की गवर्नमेंट का ये प्लान है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, और बाबा का ये प्लान है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। तो बाबा बोलते हैं कि उनकी प्लानिंग है, कि हम पकड़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि अटकी, अरे भगवान तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम उनकी प्लानिंग बुद्धि को समझ नहीं पाते हैं, उनके रोबस्ट प्लान्स को समझ नहीं पाते हैं, फुल प्रूफ प्लान्स को समझ नहीं पाते, राइट? तो बहुत नया व्यू है कि बाबा को उनके कर्तव्य के अनुसार समझना। अब एक क्वेश्चन हम सबके लिए, जैसे लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, आई डोंट नो आपने सोचा या नहीं सोचा, लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि परम धाम कहाँ है, राइट? अब इस बार का क्वेश्चन है चर्निंग के लिए, अब शिव बाबा को अपने सब बच्चों से मिलना है, सारे बच्चों से मिलना है, वो अपने सारे बच्चों से मिल पाए इसके लिए वो अपनी क्या प्लानिंग रचेंगे, बिकॉज ही इज इनविजिबल एंड एवरीथिंग। अब ऐसा तो नहीं है सबसे वो इस तरह से मिलेगा जिस तरह से वो हमसे मिल रहा है, क्योंकि उस तरह से मिलेगा तो सबको सत्युग में भेजना पड़ेगा। अब उनकी लिमिटेशंस भी है, उनके पास में बहुत सारे पैरामीटर्स भी खड़े हैं। अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता हूँ, डायरेक्ट मिल गया तो सत्युग में मिलना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे सभी बच्चों से मिलूं, क्योंकि उनको सब बच्चों से मिलना है, सब बच्चों से भी मिलूं, नंबर वार मिलूं, पर मिलूं लेकिन जरूर, तो इसके लिए शिव बाबा क्या युक्ति रचते हैं, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे युक्तियों का सागर किस तरीके से अपने सभी बच्चों से, 800 करोड़ बच्चों से मिलेगा। तब हमें समझ में आने लगेगा कि बाबा जो हमसे कराना चाह रहे हैं वो क्यों कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 2 मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे। इस सेशन में हमने जो समझा उसको कॉन्टेम्पलेट करें। तो आइए सभी लोग योग की पोजीशन में बैठ जाए। गहरी सांस लें खुद को, बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं याद लिमिटेड बुद्धि से धीरे धीरे उस अनलिमिटेड को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रही हूं।
और मेरा पिता। मुझे ऊपर से सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि मैं उन्हें समझ पाऊं, उनकी साइकी को डिकोड कर पाऊं। आज तक जिज्ञासु तो बनी थी, आज एक संतान बनकर अपने पिता को जानने का प्रयास कर रही हूं। कौन है मेरा पिता, क्या खूबी है, क्या कोई कमी है, कितना प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए क्या कर सकता है। ऐसे कई संतान के प्रश्न लेकर जो कई सालों के बाद जाकर अपने पिता से मिला है, भूल गया था उसे, अब जानने को इच्छुक है। वो संतान में आत्मा मेरे पिता को डिकोड करने के, समझने के लिए आज अपने आप को ओपन कर रही हूं। और शिव बाबा जी डायरेक्शंस दे रहे, संभाल रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए मनी मन शिव बाबा से ये प्रॉमिस करते हैं, अपने से प्रॉमिस करते हैं कि हम शिव बाबा को समझने का और विश्व को उनको समझाने का पूरा प्रयास करें। पूरा एफर्ट करें शांति। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी अनम्यूट है। ओम शांति दीदी, आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ये ना जैसे आपने बोला कि ये ना कराची में सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, तो दीदी वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। उस समय हम सभी पढ़ाई कर रहे थे ना, बाबा को समझ रहे थे और हमारे पास में धन भी था। ब्रह्मा बाबा ने जो अपना धन
यज्ञ में समर्पित किया था, उससे बहुत अच्छी यज्ञ वत्सों की पालना हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और दूसरी बात, जो इतना बड़ा पूरे विश्व का बेड़ा उठाने का जो हमारा या बाबा का संकल्प था, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा कोई बात नहीं पता, तो उनका जो संकल्प था उसके लिए यज्ञ का फाउंडेशन क्रिएट हो रहा था जिसमें वो अखंड तपस्या में थे, राइट। जब वो तपस्वी बने, यज्ञ का इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ा हुआ, तभी आज देखिए यज्ञ 140 कंट्रीज में फैला हुआ, क्योंकि जड़े मजबूत है ना। किसी भी पेड़ को अपनी जगह पर रखने के लिए जड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। जड़े अगर मजबूत नहीं हो तो वो कितना भी सुंदर पेड़ किसी भी हवा के झोंके से आकर के गिर जाए, सस्टेन नहीं हो पाए। हमारी दादियां, ब्रह्मा बाबा, मम्मा जड़ों में बैठे हैं, आपने देखा भी है कल्प वृक्ष में तपस्वी बच्चों को, अष्ट रत्नों को जड़ों में दिखाया जा रहा है। दे आर होल्डिंग दिस यज्ञ टुगेदर, जिसके बेसिस पर यज्ञ का विस्तार हो रहा है, वृक्ष इतना बढ़ रहा है। आज आप देखो बहुत सेवाएं हो और पेड़ के एनालॉजी के हिसाब से समझे, ऊपर से पेड़ बहुत बढ़ रहा है और बहुत फैल रहा है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको अपनी जगह पे थामे रखने के लिए जड़े अगर कमजोर है तो वो पेड़ कितना भी सुंदर हो, कितना भी विशाल हो, गिर जाएगा। बल्कि जितना विशाल होगा गिर जाएगा, तो विशाल तो होना ही है ना, 800 करोड़ आत्माओं तक हमें पहुंचना है, राइट। तो वहां पहुंचने के लिए जड़ों को भी तो उतना फैलना पड़ेगा, उतनी ज्यादा जगह लेनी पड़ेगी, जहां पहले से न जाने क्या क्या पड़ा, उन जगहों को एलिमिनेट करके, वहां से उन चीजों को हटा करके जड़ों को विस्तार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, शिव बाबा से जुड़े रहना पड़ेगा, तब ऊपर का वृक्ष, जो सेवा का वृक्ष है, जो पत्तियां हैं, वो फैलेंगी, राइट। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वो रिक्वायर्ड जो उस समय में था कराची में, सिंध, हैदराबाद सिंध में और माउंट आबू में आने के बाद भी कुछ समय तक जो रिक्वायर्ड था सस्टेनेंस के लिए, वो रिक्वायर्ड समय हर एक दादी को, बाबा को और हम बच्चे जिनका आह्वान हो रहा था उनको मिला। उसके बाद में सेवाओं का विस्तार हुआ, और उस समय भी सेवा हो रही थी, लेकिन डिफरेंट तरह की सेवा थी। उस समय में कोई जाकर सेवा नहीं कर रहा था, साक्षात्कार के रूप में सेवा हो रही थी। तो हम लोग घर छोड़ के नहीं जा रहे थे, लेकिन हमारे घर में लोग अपना बाबा का साक्षात्कार करके आ रहे थे। सेवा तो ही ना, 300-400 आत्माएं जो आई है भट्टी में, वो कैसे आई, संदेश तो उन तक पहुंचा ही था, लेकिन कोई गया नहीं था देने के लिए। शिव बाबा साक्षात्कार करा करा के बुला रहे थे, तो रूप अलग था, सेवा तो हो रही थी लेकिन रूप अलग। जी दीदी। ओम शांति दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि बाबा को अपनी प्रभाव एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि हमारा दिमाग ऑल द टाइम एंगेज रहता है, तो बाबा ने कौन सी युक्ति रची कि हम तक पहुंचे, कि हमारा ब्रेन बिजी, मतलब हमारी बुद्धि जो बिजी रहती है उससे हमें निकालने के लिए, यही तो बाबा करते हैं ना, ड्रामा के सीन्स को यूज करते हैं। आज ड्रामा का सीन हमारे सामने आ जाता है, अचानक का पार्ट सामने आ जाता है, कभी जिस चीज पे हम भरोसा करते हैं, जैसे कि क्यों हमारी बुद्धि में जब घर बोले तो घर याद आता है, या जॉय बोले तो घूमना वगैरह याद आता है, वो जो पिक्चर हमारे सामने थी वो क्यों याद आती है, क्योंकि वहां से हमें कुछ प्राप्ति है, कुछ मिल रहा है, हमने उसको हमारे दिमाग में इक्वेट कर दिया है फॉर ऑल द थिंग्स जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड, तो हम उसी के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही हमारा वहां पे डिस्कनेक्शन होता है, जैसे हमें हमारे घर से प्राप्ति होना, हमारे परिवार से प्राप्ति होना बंद हो जाती है, तो हमारा दिमाग फिर ढूंढने लगता है, बुद्धि ढूंढने लगता है, अभी ये प्यार तो चाहिए, अभी ये सिक्योरिटी तो चाहिए, घर वाले तो नहीं दे सकते, तो वो सर्च करना शुरू करती है कहाँ जाए कहाँ जाए, तब बाबा एंटर होता है, यहाँ आओ, यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस में बाबा एंटर होता है, लेकिन फर्क हो जाता है दो तरह की आत्माओं के बीच। एक आत्मा है जो स्व इच्छा से ड्रामा के सीन में ना समय के पहले ही अपने आप को इन सब बातों से छुड़वा करके, अपने आप को चेक एंड चेंज करके छुड़वा करके शिव बाबा से जोड़ना शुरू करती है, जो समय से पहले कर रही, और कुछ होती है आत्माएं जो समय पर करती, मना कि ड्रामा का सीन आता है तब वो रियलाइज करती है, ओके ओके आई अंडरस्टैंड,
ये तो बात सही थी, शिव बाबा पर ही भरोसा कर सकते हैं, मुझे पहले ही बाबा भरोसा कर लेना चाहिए था जो ये बोलती है। तो दो तरह की आत्माएं, एक जो चाहती है कि हम पहले से ही बाबा से जुड़ जाए, समय का वेट नहीं करें, ड्रामा के सीन का वेट नहीं करें, पहले से सेफ्टी की तरफ बाबा की तरफ 100% हो जाए, तो वो होती है अलग तरह की आत्मा। और कुछ आत्माएं होती है जो समय का वेट करती है, समय का वेट करना मना, हाँ कोई परिस्थिति आई, हमारे घर वालों को कुछ हुआ, घर को कुछ हुआ, तब हम सोचने लगे नहीं नहीं सिक्योरिटी तो सिर्फ शिव बाबा से ही मिलती है, तो उसमें फर्क हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आपसे मेरा क्वेश्चन था, आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि मनन चिंतन के लिए परम धाम कहाँ है, तो अभी आप उसका क्लैरिफाई करेंगे? हाँ जी, तो परम धाम कहाँ है, जबकि साकार सृष्टि का अंत हम पा नहीं सकते हैं, कहीं पर भी साकार सृष्टि अंत में दिखाई देती नहीं है, तो परम धाम साकार सृष्टि में तो नहीं है, लेकिन परम धाम एक डिफरेंट डेंसिटी में, ये सारे लोग हाँ जी, ये जो सारे लोग हैं जैसे सूक्ष्म वतन है या परम धाम है, उनकी डेंसिटी अलग है, जिसको मैथ्स में यूजुअली लोग डायमेंशन कहते हैं, बट वो रॉन्ग वर्ड है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, रॉन्ग नहीं कहूंगी, इनएक्यूरेट वर्ड है, एक्यूरेट वर्ड कह सकते हैं डेंसिटी। जैसे जैसे हम अपने पुरुषार्थ से अपने आप को हल्का करते जाते हैं, या हमारे अंदर पुण्य का खाता, जमा का खाता बढ़ता जाता है, हम हल्के होते जाते हैं, जिसको कहते हैं बाबा लाइट हाउस माइट हाउस। तो लाइट हाउस हम होते हैं, लाइट हाउस इज नॉट जस्ट एक स्वमान नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं है, एक योग का अभ्यास नहीं है लाइट हाउस होना, लाइट हाउस एक स्थिति है, एक स्थिति बना, एक पोजिशन है। स्थिति मतलब क्या होता है, वेयर आई एम सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब मैं कहाँ पोजिशनड हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ। अब फिजिकल में तो शरीर नहीं बैठेगा क्योंकि पांच तत्वों का बना है, कहाँ जाएगा, ये तो उड़ के जा नहीं सकता, लेकिन आत्मा के पास जाने के लिए कई सारे लेवल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन लेवल्स में से किस लेवल में मैं सिचुएटेड हूँ। जैसे ही मुझे पुरुषार्थ कर करके मैं अपने सिचुएशन को, जहां मैं बैठी हूँ, अपनी पोजिशन को, अपनी सीट को एलिवेट करती जाती हूँ, लेस डेंसिटी की तरफ जाती जाती हूँ, हायर पोजिशन की तरफ जाती जाती हूँ, तो मेरे ऊपर उस डेंसिटी वाले नियम काम करने लग जाते हैं। ये बहुत विचित्र हमारी बाबा की नॉलेज है, जिसके थ्रू हम इन चीजों से एलिवेट, जैसे कि बाबा कहते हैं बच्चे समय तुम्हारी रचना है, नहीं समझ सकते हम समय कैसे हमारी रचना है, हम तो समय के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे हिसाब से समय थोड़ी चल रहा है, लेकिन चलता है, लेकिन कहाँ नहीं चलता है, जहां आज बैठे हैं, जहां मैं आत्मा आज इस फिजिकल डायमेंशन में, इस सारे जो हमने देखा ना इतनी सारी भटकती हुई बुद्धियों के बीच में, इतने सारे रस्तों में, जहां मैं आज उलझी हुई हूँ, वहां पर तो मैं स्लेव हूँ, वहां मैं स्लेव हूँ, तो समय भी अपनी मेरे ऊपर स्लेव, मतलब मैं समय की भी स्लेवरी करती हूँ, लेकिन मैं जैसे जैसे पुरुषार्थ करती हूँ, अपने आप को हल्का करती हूँ, बाबा मुझे अधिकारी राजा बनाने आया है, इट मीन्स बाबा मुझे अपने प्रेजेंट सिचुएशन से उठाने आया है, और जैसे जैसे मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा एलिवेट होती हूँ, एलिवेशन इज एक्चुअली हैपनिंग, ये सिर्फ हमारा थॉट नहीं है, सिर्फ एक हाँ बहुत क्या कहते हैं इसको अलंकारी भाषा नहीं है, हाँ हाँ हम एलिवेट हो रहे हैं, लाइटन हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हम जब एलिवेट होते हैं, सूक्ष्म वतन के लेवल पे जाते हैं सपोज, तो हमारे ऊपर सूक्ष्म वतन के नियम कायदे शुरू हो जाते हैं, लगना शुरू हो जाते हैं, वहां की प्रॉपर्टीज, वहां के पावर्स हम यूज करना शुरू करते हैं, तो वहां पर समय रचना है, वहां पर समय मुझसे स्लेवरी नहीं करा रहा है, समय मेरी बात सुन रहा है। तो ऐसे ही कई सारे लेवल्स हैं, इसको इन डायमेंशंस को साइंस स्टडी कर भी रही, आज तक 10 डायमेंशंस की बातें वो कर चुके हैं, 10 डायमेंशंस, 10 डायमेंशंस, मैथ्स इस बात को प्रूव कर रही है, मैथ्स बता रही है कि जहां आप खड़े हो ये सिर्फ एक ही डायमेंशन है, इसके अलावा 9 डायमेंशंस और हैं। अगर हम कुरान में भी देखें, उसमें भी लिखा है सातवें आसमान पर उस अल्लाह का निवास है, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा बाबा कहते हैं ना पत्थर होने के कारण,
जड़ होने के कारण, इतनी ज्यादा हेवी होने के कारण, अब पत्थर के ऊपर भी आप कॉन्टेम्प्लेट कर सकते हो, बाबा पत्थर ही क्यों कहते हैं, लेकिन वो होने के कारण पत्थर की प्रॉपर्टी को अगर हम दिमाग में लाएं तो कितना भारी होता है, उड़ नहीं सकता। तो वो होने के कारण हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं इस रेस्ट्रिक्टेड दुनिया में, और हमें लगता है कि बाबा कुछ हो तो रहा नहीं है, विश्व का महाराजन बनाने आए हो, बन तो रहे नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ जब होगा तब सबको दिखेगा, मुझे ही नहीं सबको दिखेगा, यहाँ पर वो काम हो ही नहीं रहा है, वो अदर डायमेंशन में हो रहा है, अदर डेंसिटीज में हो रहा है, और वो देखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। एनर्जी लेवल ना, दस एनर्जी लेवल, शिवा बाई इज ऑन द 10th एनर्जी लेवल। करेक्ट, तो परमधाम कहाँ करता है, अभी भी कर रहा है, लेकिन मुझे वहां का अनुभव करने के लिए अपनी डेंसिटी को हल्का करना, लाइट होना होगा, तो हम देख पाएंगे परमधाम। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे दिमाग में यह आइडिया क्लियर है या नहीं। अभी जैसे आपने बोला कि वो उस लेवल पे हो रहा है जो हमें यहाँ पर अभी तक समझ में नहीं आता, या कोई कोई जिनकी अभी आज स्थिति है उनको समझ में आता है, तो उसका मतलब जो सूक्ष्म में हो रहा है वो स्थूल में होता है हमारी जगत में, या फिर यहाँ जो होता है उसका परिणाम उधर होता है, या बोथ वेज? बोथ वेज, दोनों काम कर रहे हैं। जो सूक्ष्म में जो हो रहा है वो स्थूल को प्रभावित कर रहा है, और जो स्थूल में हो रहा है वो सूक्ष्म को प्रभावित कर रहा है। इसलिए जैसे देखिए, स्थूल में हम लोग जो हमारे इतने सारे बंधन है इनके बीच में रह रहे, इस वातावरण में हमारी बॉडी अभी भी एग्जिस्ट करती है, हम नहीं छोड़ के गए हैं इस जगह को, वी स्टिल एग्जिस्ट, राइट। और हम बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, सूक्ष्म बदन, परम धाम, कभी यहाँ पर हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी हमारी यहाँ पर है तो हमारे ऊपर इस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या फर्क है हम में और अनेक अनेक आत्माओं में? वी नो अ वे आउट। हम उस प्रभाव के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि हमें रास्ता बाबा ने दिखाया है, लेकिन प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन प्रभाव के ऊपर हम प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं, तो हम एलिवेट होते जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हम इस शरीर छोड़ देते हैं, आज फरिश्ते बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं सूक्ष्म तन में, जिनके पास ये शरीर नहीं है, और वहां पर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सीड कर रहे हैं। तो ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो सारा कारोबार आज के समय में सूक्ष्म वतन में चल रहा है, हमारा बाबा का कारोबार सूक्ष्म वतन के द्वारा सीडिंग हो रही है और नीचे काम हो रहा है, लेकिन नीचे का भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे बाबा ने कोई एक युक्ति रची, जैसे हमने देखा ना बाबा युक्तियों का सागर है, उन्होंने युक्ति रची बच्चे से, है ना, आज बच्चे का हल्का सा, मुझे पता है आज बच्चे का थोड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है, यहाँ पर मैं मेरे इस बच्चे जो मेरा थोड़ा तैयार बच्चा है इसको भेज दूंगा और इन दोनों का मिलन हो जाएगा, एंड ही विल गेट दी इन्फॉर्मेशन के बाबा आ गया। सपोज बाबा ने ये प्लान किया, ये आइडिया रखा, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पे हो तो होने तो वाला था मिलन, लेकिन ये बच्चा जो था थोड़ा हिला हुआ था, उसने एक्सीडेंट देखा, उसने कहा ओ माय गॉड, इतना भयंकर एक्सीडेंट, अपनी स्थिति में नहीं रहा, स्थिति में नहीं रहा, तो ये मिलन होते हुए भी मिलन नहीं हुआ, तो बाबा का क्या हो गया, उस समय प्लानिंग थी लेकिन प्लानिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट प्लानिंग के लिए सीट बढ़ गया, क्योंकि हर चीज आगे जाकर के ऐड कर रही है। लेकिन वो जो उस तरह की प्लानिंग थी जिसमें बाबा ने सोचा था, वहां उस प्लानिंग के अंदर हमारी हम आत्माओं का भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे द्वारा बाबा करा रहे, राइट। तो हमारी स्थिति का भी फर्क पड़ता है बाबा की प्लानिंग, एंड देन बाबा युक्तियों का सागर, अगेन ही थिंक्स कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है, ओके अब ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में कह रही हूँ, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें काम करती है, लेकिन अभी जहां पर हम हैं उसके हिसाब से हम इस तरह से समझ सकते। तो उसका मतलब हम पर काफी सारी जिम्मेदारी है, ये जो बाबा बोलते रहते हैं कि योग में रहो, और ये है तो उसका ही असर हो सकता है और किसी का भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस थॉट प्रोसेस से जो हम इस डिकोडिंग गॉड साइकी के थ्रू हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। मेरा होना आज के समय में पूरे विश्व के लिए वरदान है, मैं वो आत्मा, बाबा कहते हैं ना लास्ट नंबर की भी आत्मा से मुझे प्यार है,
क्योंकि उसने मुझे जाना है, क्योंकि बाबा को आज के समय में जान पाना उस आत्मा के लिए तो वरदान है ही, लेकिन पूरे विश्व के लिए वरदान है। हम जैसी आत्माएं नहीं है जो परमात्मा को उसके रॉ फॉर्म में, उसके सत्य स्वरूप में जान पाए। बाबा कहते हैं यही मेरे लिए काफी है, मैं बाकी सारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे जानो, तुम पवित्रता में रहो। जब हम ये करते हैं तो बाबा हमसे अपनी सेवा या पूरे हर एक आत्मा तक पहुंचने की सेवा जो भी बाबा को कराना वो करवा लेता है। हम समझ करके उस प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं, उसमें मुरब्बी बच्चे बन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाबा को और हेल्प कर सकते हैं, और अलग तरह से हम इस यज्ञ की सेवा कर सकते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन लास्ट का बच्चा भी अगर वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, पवित्रता में चल रहा है, बाबा को जानता है, बाबा को उससे भी प्यार है, क्योंकि वो भी इस समय पूरे विश्व के लिए वरदान है। हमारा होना इस विश्व के लिए वरदान है, लेकिन हम अपनी वैल्यू को नहीं जानने के कारण उस वरदान को अनुभव नहीं कर पाते। हमारे द्वारा अनेकों को फायदा हो रहा है, असंख्य आत्माओं को फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदा हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपनी स्थिति में नहीं। ओके, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में। थैंक यू सो मच दीदी, आपने आज हमें इतना नया पर्सपेक्टिव दिया है, और स्पेशली मुझे तो लगा कि मैं बाबा से और करीब आई। बाबा को मतलब कई बातें ऐसी थी जैसे आंखों में सच में टीयर्स आ गए कि बाबा कितना बेबस, अंदर से जैसे आपने कहा वो बोल नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते, और कितनी सही बात है। तो बाबा का जो बाबा की हम सच में भुजाए हैं, और हम सभी बाबा को बहुत बहुत मतलब प्यार करते हैं, और हम सच में ये प्रत्यक्ष करके रहेंगे बाबा को।